मीडिया में इन दिनों सच धज कर खाना बांटती महिला की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। जो भी इस तस्वीर को देख रहा है वो दिल खोल कर तारीफ कर रहा है। दरअसल वो महिला अपनी भाई के वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करने के बाद सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच गयी थी और गरीबों को खाना परोसने लगी थी। लेकिन ये सच्चाई आधी अधूरी है। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी स्टोरी, ये महिला कौन है और आधी रात को खाना बांटने का विचार इसके मन में कैसे आया। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में रहने वाली इस महिला का नाम पापिया कर है, जो आधी रात रानाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गरीबों को खिलाने पहुंच गई थी। ट्रेडिशन ड्रेस में गहनों से लदी पापिया रात को 1 बजे के करीब रेलवे स्टेशन पर बैठी और कागज की प्लेटों में एक एक करके खाना बांटने लगी। वेडिंग फोटोग्राफर नीलांचल मंडल ने उनके इस सराहनीय कार्य को कैमरे में कैद कर लिया और तस्वीरें और वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दी और लिखा, पापिया अपने भाई की शादी में गरीबों को बचा हुआ खाना खिलाती नजर आई। उनके कार्य की जमकर तारीफ होने लगी और फोटो और वीडियो भी वायरल होने लगे। लेकिन पापिया ने ये काम अब भी नहीं बल्कि 13 साल पहले ही शुरू कर दिया था, जो इतना आसान नहीं रहा। गरीबों की मदद के लिए उन्हें एसिड अटैक की धमकी तक भी मिलने लगी थी, लेकिन पापिया ने अपना रास्ता नहीं बदला। इस वायरल वीडियो की सच्चाई भी उन्होंने बताई कि उनके भाई के रिसेप्शन पर उन्होंने फुटपाथ पर रहने वाले 50 लोगों को भी इन्वाइट किया था, लेकिन 30 लोग ही पहुंच पाए थे। इसलिए 20 लोगों का खाना बर्बाद और बासी ना हो, इसके लिए पापिया रिसेप्शन के तुरंत बाद ही खाना बांटने निकल पड़ी थी। पापिया पिछले कई सालों से सोशल कामों में जुटी हुई हैं। वो हफ्ते के कुछ दिन रेलवे और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों इसलिए 20 लोगों का खाना बर्बाद और बासी ना हो, इसके लिए पापिया रिसेप्शन के तुरंत बाद ही खाना बांटने निकल पड़ी थी। पापिया पिछले कई सालों से सोशल कामों में जुटी हुई हैं। वो हफ्ते के कुछ दिन रेलवे और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों को फ्री शिक्षा देती हैं। राणाघाट स्टेशन से उनका खास लगाव है, क्योंकि स्टेशन पर 13 साल पहले उन्हें एक विकलांग शख्स बेहाल हालत में मिला था, जिसे वे अपने घर ले गई थी। वो शख्स उनका मुंहबोला भाई है। उस विकलांग शख्स को घर ले जाने का नतीजा ये हुआ कि बहुत से रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। पापिया इसके अलावा एक स्कूल भी चलाती हैं, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वह अपने सहयोगियों की मदद से एक अन्ना पूर्णा होटल भी चलाती हैं, जहां गरीबों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। रानाघाट स्टेशन पर मुफ्त खाना बांटने के चलते उन्हें एक बार एसिड अटैक की धमकी भी मिली थी। ऐसी बहुत सी चुनौतियों का सामना पापिया अब तक करती आ रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पति और बेटे के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि जब वो रानाघाट स्टेशन खाना बांटने जाती थी तो किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें कहा कि अगर वह दोबारा वहाँ नजर आई तो उन पर एसिड अटैक होगा। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। उन्होंने दूसरों से भी रिक्वेस्ट की कि शादियों में बचा खाना बर्बाद और बासी होने से बचाए। इस समय भारत वैसे भी भुखमरी की मार झेल रहा है, ना जाने कितने लोग रात को भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में शादियों और अन्य समारोह में खाना बर्बाद करने से अच्छा किसी का पेट भरा जाए, क्योंकि अन्न के दान को महादान माना जाता है। अन्न की बर्बादी पाप है। थाली में इतना ही लो, थाली में जो बर्बाद न जाए। नाली में ऐसी सीख देती कहावतों के बीच जब एक सजी धजी महिला ने जैसे ही खाना बांटा, उसे देखकर लोगों ने उसे खूब दुआएं दी। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कई लोगों ने कहा, यह पहला मौका नहीं है। पापिया अक्सर घर में खाना बनाकर जरूरतमंदों को बांटती रहती है। पापिया के इस सराहनीय कार्य को आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करें ताकि नेक कार्यों की ओर बढ़ावा मिल सके और लोगों का भला हो सके। ফ্রাইড রাইস, কচুরি, রসগোল্লা, একবার দেখো, তাকাও। যেতে যাও, খাবারের কাজটা হয়তো কখনো করা হয়নি, আজকে প্রথম। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।